So welcome everybody, this is Vinod Das and you're watching the Lone Rider Show. As you all know, I'm from Assam, so आज का show कुछ special होने वाला है. This is the third episode and आज का podcast कुछ special होने वाला है. और आज हमारे guest भी special है, मेरे दोस्त ही है लेकिन वो special बंदे है. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, secret को रखते हैं secret और video में आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो मैं गेस्ट का नाम बता दूं, ही इज मृणमय मृण, हम प्यार से मृण बुलाते हैं, नेम इज मृणमय. ओके ब्रदर, वेलकम. हेलो. सो आज हम एक पॉडकास्ट तो पता ही है शूट करने वाले हैं, सो लेट्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू, तुमको नहीं जानते उनको जरा बता दो, तुम कौन से जगह से आते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या हो, पता चले सबको. सो देख, आज का सीक्रेट तो बना के रखना. ओके, सो हेलो एवरीवन, आई एम रिन, फुल नेम रिनमय, सर नेम बोरो, आसाम से हूँ, सेम बैच, अच्छा फ्रेंड है मेरा, और क्या बताओ. सो क्या करते हो एक बार बता दो व्यूअर्स को, क्या करते हो. ओके, माई लाइफ इज़ इंटरेस्टिंग, एवरीडे नया नया लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, आर्ट बनाता हूँ. हाँ, उनके बॉडी पे आर्ट बनाता हूँ. सो सीक्रेट रिवील, आज का पॉडकास्ट होने वाला है टैटू के बारे में. टैटूज द कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक. ओके, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक. ओके, आज इसके बारे में हम खुलासा करेंगे. ठीक है, रेडी. ओके, अनबॉक्सिंग टैटू. सो मृणमय, आर यू रेडी? ओके, सो मैं पोस्चर बना लेता हूँ, अपना पूरा ठीक करके रहना है. ओके, आज का शो बहुत स्पेशल होने वाला है. सो रेडी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इट स्टार्टेड. तुमने कब ये टैटू का मशीन हाथ में पकड़ा और टैटू बनाना स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ बताओ जरा व्यूअर्स को, मेरे को भी जानना है. ओके, इट वाज ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज बोर्न. इट वाज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द यूनिवर्स, सीरियसली बताओ यार. सो मैं टैटू इंडस्ट्री में नया हूँ एक्चुअली. कितना साल? टू इयर्स कंप्लीट होगा शायद इन मी. ओके, देन जस्ट बेसिक जानता हूँ, उससे काम चल रहा हूँ और वही लोग पसंद करते हैं, वो अच्छा लगता है. ओके ओके, बाकी पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा. बाकी स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट वही जब मैं पैदा हुआ तब मम्मी ने पकड़ा दिया मुझे एक पेंसिल. सो इट स्टार्टेड विद अ पेंसिल. यस. थोड़ा जर्नी बताओ, हमें भी नमक मसाला चाहिए जर्नी. इतना स्पेशल नहीं था, जस्ट मेरे लिए स्पेशल नहीं था, ये नॉन आर्टिस्ट लोगों के लिए स्पेशल होगा शायद. सो टैटू इंडस्ट्री में डायरेक्टली नहीं आया मैं, फर्स्ट टैटू के लिए तो आर्ट चाहिए, सबको पता ही है. यस यस, बिकॉज इट्स एन आर्ट फॉर्म. यस, टैटू इज एन आर्ट फॉर्म. And absolutely viewers, tattoo is an art form. Okay, it's a very hard form of art. Okay, yeah. And it's very hard to master. बहुत मेहनत का काम है. बहुत मेहनत का काम है. So ठीक है, आगे बढ़ो. Sorry. Okay. So पहले तो मैं art करता था. Yes. उसके बाद अच्छा ही कर रहा था. इतना भी special नहीं था art में. उसके बाद classes join किया. Classes मतलब इतना special classes भी नहीं किया. मतलब just जो जनरल लोग करता है वो लोकल एरिया में जो रहता है. ओह यस, नॉर्मल क्लासेस. नॉर्मल, जस्ट डिप्लोमा. ओके, देन जो डिग्री विग्री नहीं है. उसके बाद चल रहा था लाइफ ऐसे ही. उसके बाद लाइफ में आया लॉकडाउन. ओहो, लॉकडाउन, द एंट्री ऑफ कोविड. या लॉकडाउन आने के बाद थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला जो हम लोग नहीं करते हैं. हाँ यस, वेरी इंपॉर्टेंट, खुद के साथ टाइम बिताना होता है. हाँ, उसके बाद और स्पेशली लॉकडाउन के आगे मेरा जो इच्छेस है वो मैं पास हो गया था. हाँ. इसीलिए स्टडी प्रेशर भी खत्म, सब लोगों के लिए नहीं, मैं खुद को मतलब वो कर दिया, फ्री कर चुका था. हाँ, फ्री कर चुका था. ओके, मतलब वो जो बांध होते हैं, मतलब वो जो रिवर होते हैं, रिवर का जो ब्रिज होता है, तुम पार कर चुके थे, मतलब इच्छेस खत्म ना, मैं टेंशन फ्री गए बिकॉज स्टडी में इतना मैं फोकस नहीं कर पाता. ओके, मतलब करता भी कुछ अलग ही करता, मतलब अगर इस इंडस्ट्री में नहीं होता. जस्ट बोल रहा हूँ. ओके, मतलब जर्नी तो आ रहा है मेरा, कोविड द फ्लो हो रहा है मेरा. ओके, स्टेप बाय स्टेप. हाँ, उसके बाद लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा जो बार मतलब जा नहीं सकता इसलिए घर में ही रहता था, सब लोग जैसे रहता था. यस यस, इसके देन आफ्टर दैट मैं आर्ट में फोकस करना स्टार्ट किया जो मैं बहुत पहले छोड़ चुका था. मतलब स्टडी लाइफ में आई थिंक बीच बीच में करता था,
ऐसे मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं एज एन आर्टिस्ट नहीं किया था, मतलब आर्ट के बारे में मैंने छोड़ ही दिया था. उसके बाद मैं आई थिंक लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था. यूट्यूब स्क्रोलिंग यूट्यूब. उसके बाद आर्ट फॉर्म साथ आ गया. उसके बाद अच्छा लगा आर्ट. उसके बाद मेरा आर्ट डेवलपमेंट होता गया. मतलब नया नया स्टाइल सीखा. ओके जो मैं पहले ही सीखा था लेकिन इतना वो नहीं दिया था फोकस. यस लेकिन लॉकडाउन ने मुझे फोकस करा दिया लाइफ में अपने मतलब गोल की तरफ. हाँ उसके बाद गोल है या नहीं है पता नहीं लेकिन स्टार्ट हो चुका है. जर्नी स्टार्ट हो चुका है. गियर लग चुका है. फर्स्ट गियर में लग चुका है. फर्स्ट गियर में वो भी स्पीड लेना पड़ेगा. बार बार आउट ऑफ द ट्रैक हो जा रहा हूँ. ओके सॉरी. आफ्टर दैट थोड़ा लूज किया था शायद लॉकडाउन. उसके बाद मैं एक पार्लर में गया था. वो मेरा फ्रेंड ही है ब्रदर के जैसा ही. रंग में अच्छा नाम कमा चुका है वो ऑलरेडी. उसका नाम है दीप फनी. यस दीप फनी आ रही हो. हाँ इज अनदर स्टोरी. ओके फ्रेंड्स सो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. तो ठीक है. उसके बाद मैं वहाँ पे एक्चुअली वॉल पेंटिंग करने के लिए गया था. यस मतलब लॉकडाउन में मैं वॉल पेंटिंग में घुस चुका था. उसके बाद नॉर्मल आर्ट पोर्ट्रेट्स वगैरह सब में मैं मतलब खुद को इंट्रोड्यूस कर चुका था. यस उसके बाद वो मतलब टैटू बना रहा था. उसके बाद टैटू बनाने के बाद मेरा अटेंशन वहाँ पे गया. अच्छा लगा आर्ट फॉर्म देख के. देन आफ्टर दैट मैं सोचा कि अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं. मैं भी तो आर्टिस्ट ही हूँ. यस यस लेट्स ट्राई. उसके बाद पहला मशीन वहीं पे आया क्या हाथ में. पहला मशीन वहीं पे आ गया हाथ में डायरेक्ट. मतलब कुछ भी नहीं सीखा डायरेक्ट हाथ में पकड़ लिया. हाथ में पकड़ और डायरेक्ट स्किन में बनाया. स्किन में हाँ खुद के स्किन में बनाया शायद वहीं से. हाँ ये वाला मेरा फर्स्ट टैटू है. उछिया ग्रेस्ट में. उछिया ग्रेस्ट इजी इसलिए ये बनाया मैं वरना तो मैं क्या खुद का फेस ही बना लेता. मतलब पहला इजी नहीं है टैटू कसम से यार. स्टेप बाय स्टेप जा रहे उनके पास. अभी तो छोड़ भी नहीं सकता बीच में जाने. सो मतलब फर्स्ट स्टेप सलून में गए. टैटू का मशीन देखा हाथ में बनाया. उछिया क्रेस्ट वो भी नारुतो से पता चला होगा. उछिया क्रेस्ट यस. सो वहीं से आ गया होगा. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टार्ट है. अभी फिर से आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चंस में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. आगे आगे जानते हैं क्या होगा. ठीक है हाथ में मशीन आ चुका है. टैटू फर्स्ट बन चुका है हाथ में विदाउट एनी लर्निंग. कुछ भी सीखा नहीं है बच्चा. अभी भी हाथ में पकड़ लिया. फ्रेंड ही है सो आराम से बात कर रहा. कंफर्टेबल. यस ओके. सो ठीक है फ्रेंड. अभी थोड़ा मतलब टॉपिक में सीरियस हो जाते हैं. ओके सो सीरियस मतलब इन द फनी वे. ओके सो टैटू का करियर स्टार्ट हो चुका था. अपना स्टूडियो तो खोल लिया. उसके बाद इतना जल्दी नहीं खोला. मतलब टाइम लगा होगा लेकिन खोल तो लिया. मैं तो स्टार्टिंग में घर में कर रहा था. घर में स्टूडियो मतलब अल्टीमेटली घर भी स्टूडियो. हाँ क्लाइंट तो तभी भी आ रहा था ना. चल रहा था. ओके उसके बाद ठीक है सीख लिया. मतलब सीख लिया मतलब बेसिक तो तुम बनाना तो सीख गए ना यार. हाँ उसके बाद लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स बोलता है ना. मैं ढेर सारा मिस्टेक है उसके बाद सीखा. ओके और मिस्टेक भी खुद के बॉडी में ही किया. थोड़ा स्टेप थोड़ा जान सकते हैं क्या कौन सा क्या मिस्टेक. ऑफकोर्स नीडल डेप्थ वो फर्स्ट थिंग है. हाँ टैटू के ऊपर मतलब कितना अंदर घुसता है नीडल. हाँ वो अगर बैलेंस हो गया तो टैटू बन सकता है. अगर वो बैलेंस नहीं हुआ तो लाइफ में भी कोई टैटू बना नहीं सकता. मतलब डिफरेंट डेप्थ का डिफरेंट स्टाइल होता है. ओके स्ट्रोक होता है. ओके कलर मतलब ब्राइटनेस वो सब बहुत टॉपिक आ जाता है. ये तो ट्यूटोरियल हो जाएगा अगर जैसे बोला तो. वहाँ पे तुम सीख गए मतलब अपने बॉडी में. हाँ अपने बॉडी में इतना अच्छे से नहीं सीखा. मतलब जस्ट जानता हूँ कैसा होता है. ओके okay. अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी. सो उसके बाद ठीक है अभी तुम जान भी गए. थक जाते मतलब क्या करो ये लाइफ का जर्नी है. सो मिनमय तुमने मशीन पकड़ लिया हाथ में. ओके थोड़ा मिस्टेक भी कर लिया थोड़ा सीख भी गए. हाँ. स्टूडियो भी बना लिया. सो ठीक है अभी कितना टाइम हो चुका है तुम्हें टैटू बनाए. अप्रॉक्स हो गया. अप्रॉक्स टू ईयर कम्प्लीट होगा. दो साल नहीं हुआ. दो साल का थोड़ा कम. तो फिर 1.5 इयर्स. ओके ओके 1.5 इयर्स में जो भी तुम्हारा लाइफ में टैटू के कारण चेंजेस आया क्या हम जान सकते हैं. हाँ बहुत सारा. बहुत खुश गया मैं. ओके फ्रीली बताओ. थोड़ा सा बोल देता हूँ. नंबर वन बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट हुआ मेरा. यस yes. मतलब सब लोगों का हैबिट्स अलग अलग है. यस बिहेवियर अलग अलग है. वो सब मैं जान सका. ओके okay. उसके बाद टैटू आर्टिस्ट आर वेरी डेंजरस. सीरियसली वाई क्या बोले. हम लोग मतलब सब क्लास के लोग रहते हैं. हाई लो मीडियम लो भी. उसके बाद और बहुत टाइप के लोग ऐसे रहते हैं. प्रोफेशनल अनएम्प्लॉयड अंडर एम्प्लॉयड अंडर एम्प्लॉयड
क्रिमिनल्स नहीं है कि वो ये सब मिथ है क्रिमिनल्स वगैरह के साथ टैटू आर्टिस्ट, वो स्टेप बाय वो भी एक टॉपिक है, हम जाएंगे वहाँ पे। ओके सो मतलब तुम्हारे लाइफ में चेंजेस, एक तो फ्रेंड सर्कल भर गया, बहुत भर गया, लोगों के साथ बहुत सारा इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो गया, और लोगों के साथ इंटरेक्शन मतलब तुम्हारा बहुत सारा एक्सपीरियंस आना स्टार्ट हो गया। ओके उसके बाद और कुछ? आफ्टर दैट एज एन आर्टिस्ट सब लोग मुझे पहचान सक मतलब सब लोग पहचानते हैं मुझे, मतलब स्टार्ट हो गया पहचानना, उसके बाद वो अच्छा लगता है, और खुद का कुछ आइडेंटिटी होना चाहिए। यस यस दैट्स गुड, मतलब प्रोफेशनल आइडेंटिटी होने से ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब अगर मुझे अगर मेन मोह यहाँ पे रहता है, एड्रेस ये है, उसके जगह अगर कोई मुझे ऐसे पहचाने की अच्छा मेन मोह है वो जो आर्ट वगैरह बनाता है एज एन आर्टिस्ट, हाँ वो ज़्यादा कान में जब जाता है तब सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। यस इधर कुछ जानने के लिए मिल सकता है हमें? हाँ आर्ट के साइड में वॉल पेंटिंग्स वगैरह भी करता हूँ। ओके वो सब भी करके मुझे सुकून मिलता है, विद पोर्ट्रेट्स वगैरह भी बनाता हूँ। सेल्फ पोर्ट्रेट मतलब ह्यूमन पोर्ट्रेट? हाँ ह्यूमन पोर्ट्रेट। ओके कागज में जाएगा लोग देखेंगे तो फिर मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तुम्हारा तुमने बोला तो हमने दिखाया। ओके सो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यस। सो बाकी अभी आएगा हमारा मतलब मिन्मॉय, हम क्वेश्चन में जो जा रहे थे। सो और कुछ ऐड कर सकते हैं या लास्ट टॉपिक हम ये इस क्वेश्चन को यही पे रैप अप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं? ऐड करने के लिए तो बहुत कुछ है, तुम निकालते रहो मैं बोलता रहूँ। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग सा मतलब तीन ठो तो हो गया, और एक इंटरेस्टिंग सा जो हमें मतलब थोड़ा नॉलेज मिले, हमें कुछ जानने के लिए मिले। नॉलेज नहीं है मेरा, थोड़ा पर्सनल है। ओके स्टूपिड लोग बहुत मिले लाइफ में, इस इंडस्ट्री में learn from the mistakes। हाँ उन सबसे तो दूर ही रहो, जनरल लोगों को भी मिलता है। ओके आर्टिस्ट लोगों को तो ज़्यादा मिलता है अभी, मतलब कोई सब लोग जानता है फोकट में काम करवाना। ओके कुछ डिफाइनिंग वो होगा, क्या बोलते हैं उन लोगों को, कैसे हम पहचाने वो लोग? आ जाते हैं कितना दांत निकलते निकलते उसके बाद बोलते हैं अच्छा आर्टिस्ट ये बना लोगे, मतलब टैटू तो टैटू होने से भी टैटू दिखाता है, अगर कागज में करना होता तो कागज में दिखाते हैं, उसके बाद तो वो कर दोगे, उसके बाद में हाँ हो जाएगा, एक रुपये भी नहीं दूंगा, उसके बाद तुम मैं भी दादी कह देता हूँ नहीं होगा। ओके एक डायलॉग है ना कुछ, इफ यू आर गुड इन समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, हाँ वो मैं अप्लाई करता हूँ। अब फ्री में क्यों दूंगा, एक रुपया तो मिलना पड़ेगा ना। यस यस पैसा जरूरी है। तो पाब्लो पिकासो ने कुछ बोला था शायद, पाब्लो पिकासो यस हाँ वो कुछ स्टोरी था एक, हाँ टिशू के टिशू में वो फॉलो करता हूँ मैं। यस सो क्वेश्चन को रैप अप करें, क्या था स्टोरी? हाँ स्टोरी में था कि एक लेडी पाब्लो पिकासो को बोलते हैं कि मेरा पोर्ट्रेट बना दो, वो 10 सेकंड में कुछ में बना देते हैं पाब्लो टिशू पेपर में, तो फिर लेडी लेके बोले इतना बढ़िया हुआ, उसके बाद पाब्लो पिकासो बोलते हैं कुछ $5,000 या कुछ समथिंग ऐसा बोलते हैं, क्या लेडी बोलते हैं शायद वैसा XYZ होगा लेकिन ह्यूज अमाउंट था, तो लेडी बोलते हैं कि इतने पोर्ट्रेट इतना कम 5 मिनट में करने के लिए इतना पैसा, वो बोलते हैं वो याद है मुझे, उसके बाद वो बोला 20 ईयर्स लगे मेरे को मास्टर करने में, 40 ईयर्स लगे मेरे को मास्टर करने में, सो दैट्स ऑल्सो ए पॉइंट। ओके वो मैं फॉलो करता हूँ। ओके सो सो ब्रिन ये क्वेश्चन रैप अप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके यस इंटरेस्टिंग बूम बूम। अभी चेंजेस के बारे में तो जान चुके हैं हम, तुम्हारा क्या चेंजेस आ गया, सो थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ ले। ओके पॉकेट से तुम कैसे हो अभी इस पैशन में, मतलब इस बैकग्राउंड में टैटू के जो टैटू का जो फील्ड है अभी, इकोनॉमिकली तुम्हारा कैसा हाल चाल? मैं ओनली टैटू ही नहीं करता, बाकी चीज़ भी करता हूँ, जैसे कमीशन आर्ट, वॉल पेंटिंग्स, यस एंड टैटूस। ज़्यादा टाइम टैटू में लेता हूँ, हाँ हाँ क्योंकि अच्छा लगता है, एंड टैटू करने के बाद रात को आके मैं पेंटिंग्स वगैरह करता हूँ। yes. अगर वॉल पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो टैटू ये सब छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्फिस रहता है करने के लिए। यस
देन अगर पैसा के बात करें तो चलता है अभी बिकॉज आई मीन द बिगिनिंग स्टेज. ओह यस. अभी तो हम अभी एज तो बहुत कम है, अभी तो चल जाएगा. ऐसे मंथली कितना निकलता है रफली? मंथली अप्रोक्स 10 रहता है. अप्रोक्स 10,000 और मिनिमम 10,000. मैक्सिमम कितना तक जाता है? मैक्सिमम अगर अच्छा खासा काम मिला तो 30 तक पहुंच जाता है. ऑल मतलब मेरा आर्ट वर्क वगैरह मिला के 30,000. सो आजकल तो 30,000 सैलरी होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का. वो भी है और लेकिन एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि कलर वगैरह खरीदना पड़ता है. यस. कलर तो एकदम कम प्राइस का कलर तो 500 के नीचे मिलता नहीं है. वो भी बात है. उसके बाद कभी कभी ब्रश बिगड़ जाता है. ब्रश का भी बहुत प्राइस है. यस. क्योंकि मतलब एकदम कम प्राइस का ब्रश अगर यूज़ करे तो अच्छा नहीं होता काम. और अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलता है. इसीलिए तो मतलब नेसेसिटीज में तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा. और आर्टिस्ट के लाइफ में तो बहुत थोड़ा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि हम लोगों को रिक्रिएशन ज़्यादा चाहिए. हाँ रिक्रिएशन थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए. मतलब एक्सेप्शन चाहिए. एक्सेप्शन यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए ना क्या? क्योंकि थोड़ा वाइब में रहने के अच्छा. वो भी बात है. आई डोंट टेक ड्रग्स बट आई डोंट टेक एल्कोहल्स नो सिगरेट्स. मतलब थोड़ा घूमना फिरना पिज्जा वगैरह चिल आउट कॉफ़ी ये सब पेट का सवाल है. हाँ ओके. वो सब करके सुकून मिलता है. और बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए मेंटली स्ट्रेस है बॉड है. मतलब जैसे कि कुछ शेयर कर सकते हो? फॉर एग्जांपल अगर किसी को मतलब कम मतलब केतु ही नहीं मतलब आर्ट वर्क का बात बोले तो आर्टिस्ट लोग बहुत मूडी होता है. जैसे मैं जब मन होता है तभी करते हैं. यस. और केतु अगर एक बार शुरू कर दे तो बीच में रोक नहीं सकते. वो केतु में थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम आता है. वैसे नॉर्मल पेंटिंग्स वगैरह में तो इतना स्ट्रेस नहीं मिलता क्योंकि छोड़ के चला जाता मैं कहीं भी और आके फिर से बनाता हूं जब मूड आए. दो दिन तीन दिन के. ओके. और टैटू में मतलब एक बार स्टार्ट कर दिया तो बंद बीच में रोक नहीं सकते जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तो. ओके ओके. बिकॉज पेन का सवाल है. हाँ. और मतलब जो एक फ्लो में रहते हैं स्किन में बनाने के टाइम उस फ्लो में जाते रहना पड़ता है और वो बीच में रुक गया तो मतलब वो फ्लो लाने में टाइम लग जाता है. फ्लो मतलब कस्टमर का भी खुद का टाइम है ना. वो भी बात है. और एक टैटूअर मिनिमम कितना टाइम जाता है? मिनिमम अगर एकदम मतलब लोएस्ट नहीं सॉरी कर कितना स्मॉलेस्ट टैटू अगर बनाए फॉर एग्जांपल मतलब इतना सा तब एकदम पूरा डिटेलिंग के साथ अगर बनाए तो 1 आवर तो लगता ही है. मतलब मुझे छोटा टैटू मतलब 1 आवर तो लगेगा मिनिमम क्योंकि नीडल वगैरह प्रिपेयर करने में. ओके. उसके बाद साफ वगैरह हाइजीन मेंटेन करने में. यस यस. वो भी इम्पोर्टेंट. सैनिटाइजेशन. उसके बाद बनाने के टाइम हाईलाइट करने का टाइम बहुत टाइम जाता है. ओके ओके. सो इतना सारा तो हो गया. अभी स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ओके. सो मिनमॉय मरीन मॉय MRIN मरीन मरीन या मरीन मॉय क्या बोला है? मरीन बोला अच्छा लगता है. MRIN मरीन सुन के अच्छा लगता है क्योंकि खुद को नाम दिया मैंने. मरीन लेट्स स्टार्ट अगेन. ओके ओके. सो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. कंट्रोवर्सी ये बहुत बड़ा वर्ड है. ठीक है. और मैं नया नया बंदा हूँ यूट्यूब में. थोड़ा सेव करके चलना पड़ेगा. फिर भी क्वेश्चन है तो पूछना पड़ेगा. दिस इज अ पॉडकास्ट व्यूअर्स देख रहे हैं. ओके. टैटू क्राइम क्यों है ये? मतलब एज ए क्राइम क्यों देखा जाता है बहुत सारे जगहों में? बहुत बड़ा सवाल पूछते तुम्हें दोस्त. बताओ मेरे को जानना है. ये टॉपिक के ऊपर बहुत सारा टॉपिक और आ जाता है. बता सकते हो? आई एम रेडी. थोड़ा बच के चलूँगा. कल को अगर कोई आके बाहर मतलब नॉक करता रहे तो मैं मर जाऊँगा. ओके. तो स्किप दैट पार्ट ब्रिंग द रियलिटी आउट. ओके. सो एक्चुअली ये तो क्राइम के हिसाब से अगर देखे तो क्राइम बोल सकते हैं क्योंकि बहुत रिलीजन में ये. हाँ मेरे को रिसेंटली पता चला मैं जब रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर तो क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है कि मतलब हमारे होली फादर ने ये बॉडी बनाया है और इस बॉडी में कोई भी पेन लाना मना है क्योंकि ये खुद गॉड का क्रिएशन है. ये बॉडी मतलब गॉड का क्रिएशन है और ये गॉड के क्रिएशन को किसी भी तरह का हार्म लाना मना है. डैट्स वाई इन वेस्टर्न कल्चर मेरे को ये मालूम पड़ा रिसेंटली. मतलब जैसे कि टैटू तो वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा है. सो ये मतलब यह मालूम पड़ा कि इसीलिए टैटू मतलब एज ए क्राइम देखा जाता था पहले. अभी तो नॉर्मल हो गया है लेकिन पहले मेरे को मतलब ये पता चला है. और कुछ ऐड? ये मेरे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से एक्चुअली अगर रिलीजन के हिसाब से देखें तो किसी भी एक रिलीजन में अलाउ नहीं है एक्सेप्ट द
ट्राइबल वो लोग तो करते ही है, उनको लोग कैसे क्यों करते पता नहीं, आई डोंट नो। फिर भी जो थोड़ा मेजोरिटी रिलीजन है जैसे हिंदू हमारा हो गया, हिंदुज्म नहीं बोल सकते, हिंदुज्म ये हिंदुज्म है एक्चुअली, हिंदुज्म पंथ, हिंदुज्म ये पंथ है, हम लोग का तो सनातन, उसके बाद क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, और ये तीन मेन बोल सकते हैं हम। और बुद्धिस्ट लोग बनाते हैं बुद्धिस्ट लोग। सो कुछ ऐड करना चाहोगे? अगर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, क्योंकि स्टडी तो करना पड़ेगा। यस यस, यू आर ऑन द फील्ड ब्रदर। हाँ, नहीं तो कोई अगर क्वेश्चन पूछ दे। हाँ वही तो। यस, एक्चुअली रिलीजन में माना कि वो मुझे थोड़ा सा एकदम 100% का 1% थोड़ा सा पता है, मतलब जितना भी रिलीजन है वहाँ पे लिखा हुआ है कि खुद के बॉडी पे खुद हार्म नहीं कर सकते, और तेतु ऐसा एक चीज़ है जो खुद जानबूझ के हम लोग पेन दे रहे हैं खुद को। यस यस, इतना भी पेन नहीं होता, जस्ट बोल रहा हूँ। लेकिन मेंटल मतलब बॉडी पेन से ज़्यादा मेंटल पेन ज़्यादा होता है, मतलब जैसे कि देखना इतना जल्दी पेन। हाँ हाँ, वही पेन होता है, इतना पेन नहीं होता, मतलब मेंटली ज़्यादा, मतलब साइकोलॉजिकली ज़्यादा पेन होता है। मिथ के बारे में भी बोलूँगा। हाँ हाँ, ये पूछना मुझे, ये तो खुल जाऊँगा। सो मिथ बता दो यार, क्वेश्चन बोलूँगा, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। ओके, और बोलूँगा स्टार्ट। उसके बाद बहुत सारा रिलीजन है जहाँ पे अलाउ भी करते हैं, जैसे बुद्धिस्ट लोग, वो लोग मतलब मंत्र लिखते हैं। हाँ हाँ, मंत्र बैक साइड में, और कुछ नियम वगैरह देता है वो, अगर फॉलो करते तो पता नहीं, ये सुना है मैं। यस, यूट्यूब में सुना है, यूट्यूब को तो भरोसा नहीं कर सकते। यस, इस चैनल को भरोसा करना, लेकिन बाकी उसके बाद इस्लाम का मैंने तो बोल ही दिया, उन लोगों को भी ऐसा ही है, मना है क्रिश्चियन में भी। उसके बाद ट्राइबल लोग बनाता है जो जंगल में रहते हैं। यस, बेसिकली ट्राइबल लोग जंगल में रहते हैं। हाँ, उसके बाद और इंडोनेशियन है, फिलीपींस का लोग बनाते हैं। yes. वो भी थोड़ा अभी भी वो लोग बनाते हैं, मैक्सिमम लोग मशीन से बनाते हैं, लेकिन अभी भी उन लोग का जो ट्रेडिशनल कल्चर है, बहुत सारा स्टाइल है टैटूइंग का जो पहले एंशियन लोग बनाता है, वो भी बनाते हैं वो लोग। मतलब अभी भी कल्चर उन लोगों का ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है अभी, चल रहा है। ओके, टैटू कल्चर सर, मतलब फिलीपींस में अभी भी चलता है। और बहुत सारा जगह है जैसे जापान, वहाँ पे याकूजा। ओके, बहुत अच्छा लगता है मुझे जापानी टैटू, मेरा फेवरेट टाइप है जापानी टैटू। हाँ, वो उस वहाँ पे भी आएंगे हम लोग पूछना, डिफरेंट कल्चर्स ना क्या? हाँ, या डिफरेंट स्टाइल्स। ओके, सो मतलब एज ए क्राइम बोले तो क्यों देखा जाता है, इसके बारे में डिटेल अगर मालूम पाए? और डिटेल बोल सकते हैं, मतलब क्यों देखा जाता है अगर अच्छे से बोले तो मैक्सिमम क्रिमिनल लोग बनाते हैं टैटूस, उन लोगों का गैंग्स का कोई सिंबल होता है, वो सब खुद के बॉडी में बना लेते हैं। ओके, जैसे कि एक मैंने सुना है अमेरिका में, यूएसए, वहाँ पे बहुत पुराना गैंग है, वहाँ पे वो 5 Pointed Crown, वो बहुत बड़ा गैंग है इलीगल बिजनेस का। यस, और गैंगस्टर्स भी है वो लोग, वो मतलब टैटू इलीगल है। अगर तुम इंडिया में हो वो टैटू बना ले और यूएसए में गया तो तुमको पकड़ के रख देंगे वो लोग। तो मतलब वो इलीगल है। हाँ, इलीगल वैसा, मतलब इस हिसाब पे ये क्रिमिनल टाइप थी। मतलब मेरे को लगता है कि मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी ये कुछ मतलब ज़्यादा ही कर दिया है, मतलब जैसे क्रिमिनल हो तो टैटू, मतलब कोई भी एक नॉर्मल बंदा टैटू नहीं बनाता है। अगर हम लोग मतलब बहुत स्टीरियोटाइपिकल है वो भी है। हाँ, जो देखते वही विश्वास कर लेते हैं, रिसर्च नहीं करते। मतलब अगर इंडियन के बारे में बोले तो इंडियन लोग ब्राउन होता है। हाँ, ब्राउन मुंडे। उसके बाद यूरोपियन लोग वाइट ही होते हैं, उसके बाद यूएसए के लोग वाइट एंड ब्लैक होते हैं, ये सब बहुत सारा कंट्रोवर्सी। हाँ, स्टीरियोटाइप है हम लोग। हाँ, अगर ऐसे देखे तो अगर क्रिमिनल का बात और गैंगस्टर का बात बोले तब मतलब हम लोग इमेजिन कर लेते तेतु रहेगा, मतलब तेतु रहेगा, मतलब होता ही है, इसलिए हम लोग मतलब इमेजिन में सेव हो गया। मतलब ये नहीं है कि कोई साइकोलॉजिकल कारण से भी टैटू बना सकता है। हाँ, जैसे कि किसी का मतलब कोई ट्रॉमा से गुजर रहा हो और उसको एक मतलब ट्रॉमा से निकलने का चांस चाहिए, वो टैटू बना ले और उसे वो फाइट बैक करने का मौका दे, उस टैटू मोटिवेशन मिले, वो भी बना सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। और एक थिंग मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर म्यूजिशियंस के बारे में बोले तो मतलब आ जाता है मन में, बाल लंबा होगा, गिटार पकड़ा होगा, ये सब स्टीरियोटाइप बोल रहे हैं हम लोग। म्यूजिशियन चूल लंबा, हाँ, गिटार हाथ में, और मतलब थोड़ा डोप टाइप, तो मतलब अलग 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 मतलब वो अलग ही होगा, फटावा पैंट पहना होगा। हाँ, मतलब ये सब हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, बना लेते हैं। हाँ, मतलब ये होगा तो वही होगा, वो होगा तो वही होगा, मतलब ऐसा टाइप का।
मतलब ये कोई मतलब कोई लिंक नहीं है क्राइम के साथ, एकदम लिंक नहीं है। मतलब मेनस्ट्रीम मीडिया ने दिखा है बिना तेतु का लोग भी क्राइम क्रिमिंग कर रहे हैं, क्राइम करते हैं वो भी है, मतलब इलीगल काम कर रहे हैं उन लोग भी। मतलब ये सब सब कॉन्स्पिरेसी टाइप है कि टैटू को मना दिया क्रिमिनल टाइप का, ठीक है। मतलब ये कोई भी रिलेट नहीं है क्राइम और टैटू, कुछ भी रिलेट नहीं है। हम ये सब सब हम लोग ने बना लिया है खुद को, हम लोग के सोसाइटी में ऐसे मतलब ऐसे बन गया। सो अच्छा लगा ये जान के, और नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं तो फिर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, अब तक कितना टैटू बना चुके हो ऐसे मतलब अपने स्टूडियो में? स्टूडियो में बहुत सारे ऐसे रफली नंबर्स 1000 प्लस तो हो गए होगा। 1000 प्लस टैटू, कुछ यूनिक टैटू याद है? कलेक्टिव यूनिक टैटू, मतलब कुछ गिने चुने ऐसे टैटू जो तुम्हारे तुम्हें मतलब हटके लगे, तुम्हें तुमने खुद बनाए फिर भी हटके लगे यूनिक? और वैसे तो टैटू बहुत बनाया, बहुत सारा टैटू मैं फूल भी गया। ओके, डिजाइंस स्पेशल डिजाइंस बनाया मैंने जो थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है, अलग हटके हटके जो नॉर्मल पीपल नहीं बनाते हैं। ओके, जैसे कि एक मैं रिसेंटली एक टैटू बनाया है, अगर ऐसा ज्वाइन कर दे तो इस साइड में एक टैटू आता है, इस साइड में टैटू आता है, दोनों ज्वाइन होने से अलग टैटू। हाँ, वो कोई फिश टैटू है, जापानीज टैटू। ओके, वो बना के बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। क्यों बनाया उसने ये? तो लड़का है लड़की? लड़का है। क्यों बनाया उसने, कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न? साइकोलॉजिकल या कुछ ऐसे फन में बना दिया? वो बोला था, मैं बोल गया, शायद उसका मतलब कुछ रिलेटेड होगा लाइफ के साथ। ओके, लव रिलेशन? ना ना, वैसा नहीं है। तो वो लव रिलेटेड टैटू है ही नहीं, मतलब कुछ यिन यांग है बीच में, वो कैसे लव रिलेटेड? पेरेंट्स का होगा कुछ? हाँ, रिलेटिव्स का होगा कुछ? नहीं, उसका खुद के लाइफ के साथ ऐसा है, मतलब साइकोलॉजी एक मोटिवेशन है उसके लिए। ओके, मतलब अभी अगर बात करें ऐसे हम शेयर कर सकते हैं कितने टाइप के टैटू स्टाइल है? अच्छा, मतलब टैटू स्टाइल जो भी अलग अलग है, टैटू स्टाइल्स तो बहुत सारा है। जो मेरा फेवरेट टाइप है वो है जापानीज टैटू, जो तुमने जो बोला था याकूजा। याकूजा, हाँ, थोड़ा वो कुछ बैम्बू के साथ बना, बैम्बू नीडल्स, हाँ, उसको अच्छा लगता है। और उन लोगों का डिज़ाइन भी बहुत यूनिक होता है, ड्रैगन्स, उसके बाद कोई फिश रहता है। और इन लोग ये भी बनाते हैं ना वॉरियर्स टाइप का, मतलब हाँ हाँ हाँ, मतलब बहुत सारा ये कुछ सामुराई वगैरह, हाँ सामुराई वगैरह, और बहुत सारे मतलब गॉड्स को भी बनाते हैं उन लोग, वो सब अच्छा लगता है। मेरा मतलब मेरा फेवरेट, पर्सनली फेवरेट है। ओके, बाकी तो सब कुछ बना लेता हूँ थोड़ा बहुत फ्री। ओके, और मेरा प्लान है यार इस हाथ में मतलब दोनों होल बॉडी मुझे जापानीज टैटू के साथ फुल करना है, पूरा बॉडी। हाँ, ये अभी मिनट, हाँ बात करें, अगर हम तुम्हारे हिसाब से टैटू क्यों बनाया जाता है? मेरे हिसाब से मतलब तुम्हारा अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू टैटू क्यों बनाते हैं लोग, स्टाइल से या कुछ कारण होगा? दोनों ही कारण है। मतलब एक कारण तो है तुम्हारा वो क्या बोले पर्सनली इमोशन, कुछ रिलेटेबल। हाँ, ओके, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन भी मिलता है किसी किसी को, और स्टाइल में भी बनाता है, ये दोनों ही रीज़न है, और थर्ड रीज़न पता नहीं। मतलब स्टाइल में भी आ जाते हैं, और कोई कोई लोग मोटिवेशन से भी, मोटिवेशन इमोशन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी को अपना खुद का मम्मी का पोर्ट्रेट बनवाना, मदर, वो सब तो बना सकते हैं टैटू के साथ, तो वो मोटिवेशन होता है किसी के लिए, किसी के लिए इमोशन भी होता है। फॉर एग्जांपल किसी का अगर पेरेंट्स नहीं है वो भी बना लेता है, हमेशा रहता है साथ में। ओके, मतलब दैट आल्सो ए मोटिवेशन। हाँ, साथ में रहता है। यस यस, उसके बाद किसी किसी तो नाम भी लिख लेता है। ओके, और ज़्यादातर लाइक वगैरह करता है। ओके, लव, और बाकी मतलब अभी लव लव सो इस टॉपिक में नहीं जाते हैं। ओके ओके, सो अभी फ्यूचर ड्रीम कुछ है? हाँ, फ्यूचर ड्रीम तो बहुत सारा है, कुछ मतलब शेयर करो हम भी जाने, जो कर सकते हो मतलब जो नहीं सकते हो वो नहीं करना। पर्सनल फ्यूचर, पर्सनली या पर्सनली और तुम्हारे करियर के हिसाब से भी, जो भी तुम्हारा मर्जी, जो तुम शेयर करो फ्यूचर प्लान, मतलब तो जो तुम अभी सोच रहे हो करने का या करने वाले हो या करने जा रहे हो, जो भी एक्स वाई जेड। ओके 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 ओके, समझ गया। आई एम जस्ट 22 ब्रो, 22। हां, बहुत सारा टाइम बाकी है, टाइम बाकी है, अपना टाइम आएगा, अभी आया नहीं, आएगा, आने वाला है। बहुत सारा चीज करना है लाइफ में, बकेट लिस्ट तो फट मतलब फुल हो गया शायद, डिक्शनरी के ऊपर भी जाएगा बकेट लिस्ट। उसके बाद अगर बोला जाए तो
नंबर वन तो होने का मन ही है इंडस्ट्री में, हाँ इंडिया में या वर्ल्ड में? वर्ल्ड में, वर्ल्ड में ऊपर वाला कृपया करके कर दे तो बन सकते हैं। हाँ ओके, सो बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए होगा। 90% तो मेरा ही हार्डवर्क चाहिए, बाकी 10% ऊपर वाला, ऊपर वाले आ जाएंगे यार, जय श्री कृष्णा। ओके ओके, और नेक्स्ट? और नेक्स्ट बहुत सारा पैसा कम मैंने इकोनॉमिकली फ्रीडम चाहिए। यस, जॉब नहीं करना भाई, जॉब में तो सरकारी नौकरी नहीं चाहिए हमको, खुद इंडिपेंडेंट होने। हाँ और कुछ मतलब अभी अगर बताए और कुछ करियर को लेके प्लान है? ये तो पर्सनल प्लान हो गया। हाँ। करियर को लेके ब्रांच खोलूंगा शायद, फ्रेंचाइजी मतलब स्प्रेड करने वाले, स्प्रेड करने है बिजनेस को तो बहुत बड़ा करेगा। ओके उसके बाद और मम्मी पापा को भी खुश करना है। यस, बिना जॉब करे क्योंकि इतना सपोर्ट किया है, कुछ तो देना पड़ेगा उन लोगों को। वो भी बात है, मतलब कुछ तो चाहिए ही चाहिए। हाँ बिकॉज एक नंबर तो पॉइंट ये टैटू है भाई, वो भी सपोर्ट कर रहा है। रेयर केस है। हाँ। बहुत सारे कम मतलब अभी बहुत कम लोगों को ऐसा सपोर्ट मिलता है और तुम्हें मिल रहा है, यू आर ए लकी गाय। और अच्छा तो अगर असलियत बोले तो आज तक मैंने पेरेंट्स को मतलब इतना बैग नहीं किया कि ये इंडस्ट्री में मुझे करने दो, वो लोग हमेशा सपोर्ट दिख रहे हैं मेरे को, दे बिलीव मी। ओके, क्योंकि मैं मतलब मैं कर सकता हूँ। यस यस, सो बेसिकली मतलब टैटू के बारे में जान एक रफ टॉक हमने किया, रफ टॉक मतलब जो भी मतलब बेसिक्स है, जो भी जानना था, जो भी हम जान सके, ठीक है। और कुछ शेयर करना चाहते हो? शेयर तो लास्टली कुछ एक्सपायर्ड चीज़ें शेयर करने हैं तुमको, मतलब थोड़ा मैं थोड़ा ऊपर चला जाऊँ और भगवान हेल्प करे, ऊपर वाला साथ रहे। तो मुझे तो एक चीज ही बोलना है, मिथ ये तो शेयर करना ही पड़ेगा दोस्त। मिथ लास्ट टॉपिक, ओके आई एम इंटरेस्टेड, आई एम रेडी। केतु के ऊपर बहुत सारा मिथ है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेन के बारे में ये बहुत लोग पूछते हैं, कितना पेन होगा। हाँ मतलब एक्चुअली पेन के बारे में अगर पूछे तो इतना पेन नहीं होता दोस्त टैटू में। हाँ और मतलब बॉडी वाइज मतलब बॉडी पार्ट्स के हिसाब से पेन लेवल डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये पार्ट में इतना पेन नहीं होता है, मतलब लोएस्ट पेनिंग पार्ट है ये। उसके बाद ये और ये पार्ट, चेस्ट और रिस्ट, चेस्ट नहीं ये शोल्डर के नीचे ये पार्ट, ओके ये पार्ट और ये पार्ट बहुत कम पेन होता है। उसके बाद लेग में पेन होता है, ये सब मतलब डिपेंड करते हैं। okay. मतलब सब पार्ट में इतना पेन नहीं होता है, मतलब किसी को अगर पेन चाहिए, आई नीड पेन, तब बना सकते हैं। अगर किसी को टैटू बनवाना भी है और पेन भी नहीं चाहिए, तब वो भी जगह अवेलेबल है, मतलब आई नीड प्रॉब्लम्स तो आई नीड प्रॉब्लम्स तो बनाओ लेग में टैटू। मैंने बनाया नहीं बाद में। सो मतलब एरिया वाइज टैटू का पेन अलग अलग होता है। और सेकंड कैंसर के बारे में बोलूँगा। हाँ ये मैंने सुना है कि टैटू बनाने से कैंसर होता है। नहीं होता दोस्त, कौन निकाला, कौन डॉक्टर बोला? मतलब होता है, स्किन कैंसर का बहुत खतरा रहता है। स्किन कैंसर नहीं होता तो बोलते क्यों है लोग? ये मतलब मिथ है। कैसे निकला मिथ? ऐसे तो नहीं निकला होगा, कुछ तो कारण हुआ होगा। मतलब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा पहले से ही हुआ हो, हाँ तुम्हारा इन्फेक्शन है, तुम्हारा एलर्जी है, वही समझ में नहीं आता लोगों को। और तुम्हारा मतलब अगर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है तो तब होता है, तब हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आर्टिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब जब हम टैटूइंग करते हैं तब तो बहुत सारा चीज़ यूज़ करते हैं। हाँ अगर हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल सिर्फ एक चीज़ में अगर हाइजीन निगलेक्ट कर देते हैं तब बाकी हाइजीनिटी का तो वैल्यू ही नहीं रहा। वो भी बात है। फॉर एग्जांपल इंक का एक्सपायरी डेट होता है, जैसे मेडिसिन का होता है, मतलब ड्यूरेशन रहता है 1 या 2 ईयर का। अगर उसके बीच में अगर नहीं बनाए, एक्सपायर हो गया तब बनाए, तब इन्फेक्शन तो ऑब्वियसली होगा। वो लोग तो क्लाइंट को भी थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा उसके ऊपर, मतलब जानना पड़ेगा हाँ कहाँ पे जा रहा है, वो भी नीडल न्यू यूज़ करा या नहीं करा, जानना पड़ेगा उसके। हाँ ओके थोड़ा सा तो इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। yes. अगर ऐसे ही चला जाए हमको तो टैटू बनवाना है। तो हार्ट डेड यार, अरे दर्द कर रहा है भाई, बाजे वाले मेरा इन्फेक्शन हो गया, टैटू खराब। हाँ ओके और कुछ? और कुछ बोले तो मिथ तो बहुत सारा निकलता रहता है, रोज निकलता है मिथ, एवरी डे ड्यू मिथ।
हाँ सुबह उठे तुम्हारा मैसेज आया मोबाइल में न्यू मिथ ट्विटर में वायरल हो रहा है विद टैटू के लिए न्यू मिथ और सो मेरे जॉब हाँ बहुत हाँ. मतलब ये ऐसा मतलब सबका मानना है कि अगर टैटू बना दिया तो लोग तुम्हें हायर नहीं करेंगे जैसे कि तुम एक वेल्ले बन जाओगे तुम्हारा बॉस तुम्हें वेला समझेगा अगर वही बॉस के पास अगर वो टैटू हुआ तो वो वेला डबल हो जाए कैसे होगा भाई मतलब ये भी है मतलब ये बहुत मतलब सोसाइटी में ये भी चीज़ है कि अगर तुमने टैटू बना लिया मतलब मैं ये नहीं बोला सब टैटू बनाओ मतलब अगर तुम्हें चाहिए अगर साइकोलॉजी के हिसाब से मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें एक टैटू चाहिए और तुम्हें ऐसा टैटू लग कि ये मेरा कैरेक्टर के साथ मिल सकता है तो एब्सोल्युटली जाके बनाओ और अगर जो कोई ऐसे ही मेरे को टैटू चाहिए बना के दो वैसा टाइप मत बनाओ वैसा मैं मतलब बोलूँगा नहीं लेकिन चीज़ क्या है कि कॉन्शियस हो जाओ यार थोड़ा अगर तुम्हारा पहले से प्रॉब्लम है तो मत बनाओ डॉक्टर से कंसल्ट कर लो एक बार ठीक है उसके बाद अगर तुम टैटू इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कर सकते नहीं क्या उसके बाद जॉब के ऊपर तो बहुत सारा मिथ है मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिलता है टैटू बनाने से हाँ मिलता है ये लॉ हटा दिया गया है अभी मिलता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब मेरे को यह मालूम पड़ा कि डिफेंस में नहीं मिलता डिफेंस में नहीं मिलता और मतलब तुम्हें अगर सरकारी नौकरी चाहिए टैटू बनाने के बाद तुम्हें स्पेसिफिक रीजन देना होगा इसलिए मैं बोला कि कुछ रीजन हो तो बनाओ अगर गाल में गुलाब फूल बना के चला गया तो कहाँ नौकरी मिलेगा भाई वो पागल है हाँ तुमको अगर SBI में नौकरी मिल गया गाल में गुलाब है टैटू पैसा देने जाएगा चला जाएगा वो ये तो मिल रहा है सो मतलब कुछ कारण हो तो बनाओ टैटू यार थोड़ा रीजन लो थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ साइकोलॉजी भी एक चीज़ है एक तुम्हारा पर्सनल लाइफ भी चीज़ है इतना मिलते फिर भी मिलता है टैटू होने से भी हाँ मिल जाते मिलता है मिलता है मतलब ये मिथ है फिर भी कॉन्शियस होना जरूरी है मतलब कौन सा तुम्हें सूट करे वैसा टैटू बनाओ ओके उसके बाद और एक मिथ है ब्लड डोनेशन हाँ ब्लड डोनेट नहीं कर सकते ये तो बहुत सारा लोगों ने मिथ बना के रखा हुआ है मतलब कर सकते हो हाँ डोनर के मतलब जो ब्लड लेता है ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो दे सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें मतलब ब्लड चाहिए और मेरे ब्लड ग्रुप के साथ मैचिंग कर रहा है उसके बाद थोड़ा वो है नॉर्म्स है जैसे कि तुमको 6 मंथ तक किसी को भी ब्लड नहीं दे सकते अगर तुमने फ्रेशली टैटू बनाया है 6 मंथ के बाद तुम दे सकते हो ओके उसके बाद अगर ऐसे ब्लड डोनेट करने जाओगे वो भी गवर्नमेंट जगह पे पहले अभी पता नहीं पहले नहीं लेता था अभी प्राइवेट में लेता है मतलब नॉर्म्स तुम्हें मतलब ये हो गया कि जो एक्सेप्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा अगर लेना चाहते हैं तो लेंगे नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं लेंगे वो भी बात है टैटू के बारे में बहुत सारा कुछ मतलब जानने के लिए और मेनली ये मालूम पड़ा कि कॉन्शियस हो जाओ थोड़ा कॉन्शियस होना जरूरी है गाल में गुलाब फूल मत बनाओ पोस्ट मलोन सब नहीं है मतलब बनाता है पोस्ट मलोन टैटू गालों में बिकॉज ही इज अ सिंगर और वो उसके साथ शूट भी कर रहा है शूट भी कर रहा है और अगर मैं बना के जाओ यहाँ पे टैटू तो मेरे साथ सूट नहीं करेगा ठीक है आई एम नॉट इन दैट फील्ड यू आर नॉट पोस्ट मेलन ब्रो ओके यस आई एम नॉट पोस्ट मेलन आई एम विनोद ओके यू आर मरीन ही इज ही आई एम मी ओके सो बहुत कुछ जानने के लिए मिला पॉडकास्ट भी इंटरेस्टिंग हुआ और कुछ बीच बीच में आ रहे लिंक नहीं आएगा डायरेक्ट स्क्रीनशॉट आएगा ठीक है स्क्रीनशॉट या वीडियो स्क्रोल होगा ठीक है इंस्टाग्राम का बाकी स्टे ट्यून्ड हम फिर से आगे बढ़ते जाएंगे हमारा एक एक एपिसोड आता जाएगा और मैं रिसेंटली प्लान कर रहा हूँ कि मैं सोलो एपिसोड भी लाने वाला हूँ एंड सपोर्ट मी सपोर्ट एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टेक केयर ऑफ मी टेक केयर ऑफ दिस वर्ल्ड दिस इज विनोद दास साइनिंग आउट पीस एंड दिस इज मिन्मय पीस पीस